हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एल ई हेल्प डेस्क 24x7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई खबर के साथ में, जो खुशखबरी है। अभी तक जितने भी कोर्स सीएससी के द्वारा चलाए गए हैं, आपको पता है कि इसमें सभी के सभी कुछ ऐसे कोर्सेस थे जिसमें आपको केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सर्टिफिकेट आपने रख लिया, उसके बाद उसका कोई काम नहीं। उससे जुड़ी हुई कोई भी आगे कोई ऐसी व्यवस्था या कोई ऐसी योजना नहीं लाएगी जिसमें सीएससी भाइयों को कुछ भी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जो आपका आईएनएस का कोर्स था, जो भी भाइयों ने आईएनएस सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया था, सर्टिफाइड हो गए थे, उनके लिए ये योजना है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, सभी आईएनएस सर्टिफाइड वेली भाई बंधुओं को बधाई। इंश्योरेंस कैसे और कौन से कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, जितने भी इंश्योरेंस आपके हैं, आप सारे इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो रैप वालों के लिए रखा गया है। लेकिन जो भी इंश्योरेंस हैं जो जो आप कर सकते हैं, वो ये सभी के सभी लिस्टेड हैं, ठीक है। इतने इंश्योरेंस हैं जो आप कर सकते हैं। लगभग हर इंश्योरेंस में आप एक आध में भले आपको ऑप्शन ना मिले, लेकिन हर इंश्योरेंस में जितने भी आप जाएंगे, आपने पर्सनल इंश्योरेंस किया, मोटर व्हीकल किया, या आपने टू व्हीलर किया, उसमें आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस ऐसा मिलेगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अपने सीएससी आईडी से डिजिटल सेवा के पोर्टल में जा करके। इनमें कौन कौन से इंश्योरेंस है? बजाज एलियंस मोटर है, ठीक है, एचडीएफसी अर्गो है, आईसीआईसीआई लंबार्ड है, इंडिया फर्स्ट, रिलायंस जनरल, ये सारे इंश्योरेंस हैं, ठीक है, मोटर के, थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के, पर्सनल इंश्योरेंस के, जो आप कर सकते हैं। एक इंश्योरेंस मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ इस काम को कर लें, ठीक है। डिजिटल पोर्टल का अपना सेवा डिजिटल पोर्टल लॉगिन करिए, ठीक है, इंश्योरेंस को क्लिक करिए, किसी भी इंश्योरेंस में जा सकते हैं। मैंने इसमें मोटर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है, उसको वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप जाओगे इस पर, क्लिक करोगे मोटर थर्ड पार्टी पे, इतने हैं, तीन आपके इंश्योरेंस खुले हुए हैं, तीन से चार, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लोगे। मैंने एचडीएफसी अर्गो सेलेक्ट किया है, ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओगे। जब आप एचडीएफसी अर्गो सेलेक्ट करोगे, आपसे मोटरसाइकिल के जितने भी कंपनीज हैं उनका नाम पूछ लेगा कि आपको किस कंपनी की मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने होंडा सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके बाद में सारे मॉडल आ गए होंडा के। कोई भी आपके पास कस्टमर आ सकता है किसी बाइक को लेकर के, जितने भी आपके मॉडल्स आते हैं वो सारे के सारे आपको लिस्टेड मिलेंगे इस इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत, ठीक है। मैंने एक्टिवा को सिलेक्ट किया, ठीक है, सिटी पूछ लेगा आपका रजिस्ट्रेशन सिटी कौन सा है, आरटीओ कौन सा लगता है आपका। मैंने बेंगलुरु सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट आप गए ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका मॉडल कब का है, ठीक है, आप कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2019 मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट गया, पूछ लेगा आपका जो व्हीकल है उसका वेरिएंट कौन सा है, कौन सी किस प्रकार का, जो भी आपके जितने ही प्रकार आते हैं, सीसी को होता है, डबल डिस्क ब्रेक में अलग अलग वेरिएंट आते हैं, कौन सा वेरिएंट आपका है। मैंने 125 सीसी चुना हुआ है। नेक्स्ट आप गए, जो भी इंश्योरेंस आप में है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आपने चूज़ कर लिया, ठीक, आपको प्लान बता देगा एक साल का, दो साल का, तीन साल का, आपको जो भी आपका कस्टमर बोलेगा आपको उसको दो साल कराना है, एक साल कराना है, थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है, कि अगर आप एक साल में कराते हो, दो साल में कराते, जैसे आप दे सकते हो, दो साल वाला 1504 रुपये का है, तीन साल वाला 2556 रुपये का है, लगभग आपका 700 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। ये आपको कस्टमर को देने के लिए आराम रहेगा, कस्टमर आपका आराम से इन जो भी आपके तीन साल वाली योजना है उनमें जल्दी जल्दी आकर्षित होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, बाय नाउ कर लिया ऑप्शन में जाके। अब यहाँ पे जाके आप कस्टमर की डिटेल भर देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, आप उसका पेमेंट करेंगे और रिसिप्ट उसको निकाल के दे देंगे कि इंश्योरेंस उसका हो चुका है, ठीक है। ये था प्रोसेस। जितने ही भाई बहन हैं उनको, वी एल ई भाई हैं जिन्होंने आईएनएस सर्टिफाइड हो चुके हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच। आज की ये बड़ी अपडेट थी, जो अभी तक सभी भाइयों को इंतजार था कि आईएनएस सर्टिफाइड हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो प्रमाण पत्र है उसका क्या फ़ायदा जब तक बीमा नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये सुविधा स्टार्ट कर दी गई है, अब आप अपने पोर्टल पर जाकर के डिजिटल पोर्टल सेवा पे जाइए, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपके भी इंश्योरेंस जितने भी आईएनएस के अंतर्गत होते हैं वो सभी के सभी ओपन हो चुके हैं, अब आप कोई भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।